ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। सहारनपुर उत्तर प्रदेश मान्यता शिक्षक संघ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक के नेतृत्व में अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षक एवं स्कूल संचालक पहुंचे तथा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मलिक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश शासन में कक्षा 9 पास बच्चों के अंक पत्रों के आधार पर 10वीं के बच्चों को नंबरों को अपलोड करके 10वीं के बच्चों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन के चलते गत वर्ष हमने शासन द्वारा निर्धारित बोर्ड की फीस को माफ करने का मांग पत्र धरने व प्रदर्शन करने के उपरांत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को दिया था, लेकिन सरकार ने अनदेखा कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने 10वीं की परीक्षा कराए बगैर बच्चों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है, तो सरकार टीचरों को मानदेय देने का खर्च बचा, कॉपियां और ट्रांसपोर्ट आदि का सभी खर्च सरकार का बचा है। इस प्रकार बच्चों से लिए गए बोर्ड के करीब 200 करोड़ रुपए सरकार को वापस कर देने चाहिए, ताकि विद्यालय संचालक जो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अपने विद्यालय के शिक्षकों को वेतन का कुछ हिस्सा दे सके। इसी के ऊपर आज 25% निःशुल्क बच्चे सरकार द्वारा पढ़ाए गए हैं, गत वर्षों का उनका भी फीस प्रतिपूर्ति सरकार को बताया है। इसके संबंध में कल जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर के द्वारा मुख्यमंत्री को अन्य समस्याएं सहित ज्ञापन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः आप सभी स्कूल संचालक प्रधानाचार्य शिक्षक बंधुओं को विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करें, मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूं। आज यहां हम जिला विद्यालय निरीक्षक सहारनपुर में ज्ञापन देने आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित 8 सूत्रीय हमारा ज्ञापन है। हमारी मुख्य मांग है कि सरकार से हम पहले मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन चल रहा था, विभाग का पैसा नहीं था, बहुत सारे बच्चे वंचित रह गए परीक्षा देने से, आज परीक्षा में बैठने से, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, फीस नहीं था। सरकार ने पहले 200 रुपये फीस देती थी, 81.75 रुपये देती थी, लेकिन लॉकडाउन में सरकार ने और 501 रुपये फीस बढ़ाई गई। तो मेरा कहने मतलब है कि लॉकडाउन के समय पर सरकार को कम करना चाहिए था या फीस माफ करने की मांग कर रहे थे, तो सरकार ने उल्टा उसके 501 रुपये लिया। मेरा ये भी है कहने का कि जब सरकार के पास उस समय पर ये स्थिति, आज सरकार ने परीक्षा निरस्त कर दी, सरकार के पास में कोई खर्च नहीं रहा, उसके बाद टीचर की वेतन भी नहीं देना, मानदेय भी नहीं देना उसको, इसके बाद कॉपी भी नहीं देनी, कोई पेपर का खर्च है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच गया, तो करीब हमारा जो है 1,80,85 करोड़ रुपया जो है सरकार पर जो है ये है। हम ये कहते कि हम आर्थिक राहत पैकेज दिया गया तो ये तो दे दें, 25% का हमारा 500-400 करोड़ करीब, जब 400 करोड़ के करीब है वो हमारा दे दे, हमने 25% फ्री पढ़ा रखा है अब तक है। तो हमारा कहना ये कि यदि ये नहीं दिया जा रहा है तो हम जो है आने वाले समय में लॉकडाउन के बाद में यहाँ धरना देकर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ में ये तब भी नहीं मानेगी सरकार तो 2000 चुनाव के 22 में हम इसका जो इसके खिलाफ वोट करके और उसका सरकार को भेज देंगे, दूसरी सरकार जो आएगी वो हमारा काम करेगी और उसे काम करेगी।